A1 न्यूज चैनल पंजाबी हमारी टीम आज लेके आई है कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में, जहाँ पे गौशाला की धर्मार्थ सेवा करते हमें सेवादार मिले हैं कुलवंत जी, जो कि देखिए किस तरह से तरीके वाइज जो गौशाला में लोग दान कर जाते हैं, इनकी ड्यूटी है वो चारा लाकर यहाँ पे गौओं को देना। और अपने काम दान में पूरा नहीं देते, दान कहाँ देता है, कोई दान नहीं देते, दान नहीं देते। अच्छा, ये कहाँ से आता है सर चारा आपका? ये चारा टाल से आता है। टाल से आता है? हाँ जी। तो टाल जी जिसमें खुद अपनी जेब से लाता हूँ, मैं अपनी जेब से लाता हूँ, अपनी जेब से लाता हूँ जी। कुछ जो 10 रुपए 5 रुपए जी जो बंदे भावना रखते हैं थोड़ी जी सर जी, उनका चारा भी आता है। आता है? हाँ आता है। और सर ये जो गौशाला में जी एक भी मेंबर नहीं है, गौशाला में कोई मेंबर एक नहीं भी मेंबर नहीं है जिसको गौशाला के हालात और गौशाला का खर्चा पता हो। लेकिन बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है सर, उसमें कहा गया है कि ये गौशाला रजिस्टर्ड है, संस्था है, ऐसा तो लेकिन वो उनको आज तक ये नहीं पता गौशाला बनी कहाँ। उनको ये नहीं पता आज तक गौशाला बनी कहाँ। तो आपको प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ सहायता करने आता है? कोई प्रकार की प्रशासन से सहायता नहीं आज तक मिली, उल्टा रोप लगते हैं। रोप लोग लगाते हैं, सरकार से करोड़ों लाखों रुपए इसके पास आते हैं, जबकि आज तक सरकार से एक रुपए की मदद नहीं मिली। दवाइयां भी मोल लाते हैं। सर ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, कब से चल रही है ये आपकी रजिस्टर्ड? तीन साल से। तो जो प्रावधान अभी नया आया है कि साल बाय साल रिन्यू होनी चाहिए, क्या इसमें वो भी इसमें है ये गौशाला में? ऐसा कोई हमारे पास टाइम नहीं लग रहा जिसमें हमारे को कोई किसी प्रकार की मतलब कोई बंदा साथ नहीं देता हमारे को, खुद नहीं खाने पीने का, एक बाथरूम जाने के लिए भी टाइम लगता है, टाइम नहीं मिलता। आपकी लोगों से क्या अपील है कि इस गौशाला को लेके आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों को ये अपील करता हूँ, मैं लोगों से ये